बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, जो पढ़ेगा साहिब लौलाक के ऊपर दुरूद। बस ये बात दिल की तख्ती पे लिख लीजिए कि दुरूद उसी पे राजी जो दुरूद वाले की इज्जत का पहरेदार हो, दुरूद उसी को फायदा देगा जो दुरूद की कदर भी जाने, दुरूद वाले की कदर भी जाने। साहिब दुरूद की इज्जत के ऊपर दुनिया हाथ उठाए, जुबान उठाए, कलम उठाए, कुफर खा के बनाए और कोई तस्वीर लेके बैठा रहे, ये याद रख लीजिए। ऐसे बंदे को न दरूद की जरूरत, न दरूद वाले की जरूरत। जब भी इस्लाम पे वक्त आए आप मैदान में खड़े होके कहे मेरी तस्बीह भी हुजूर के लिए, मेरे चिल्ले भी हुजूर के लिए, मेरी गर्दन भी हुजूर के लिए, क्योंकि जो पढ़ेगा साहिब लौलाक के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। ज्यादा दूर की बात नहीं करते, करीब से देखिए आपके सामने गाजी नबू से रिसालत गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी फांसी के फंदे से उतर के भी इतने घंटे जनाब आला उनका जैसा देखा कि बाहर रहता है चेहरे के ऊपर रोशनी पड़ती जाती है, या उसके बाद हमने किबला मीरल मुजाहिदीन का चेहरा देखा है 40-45 घंटे गुजर जाने के बाद, बल्कि जितना वक्त और गुजरता जाता है चेहरे पे नूर पड़ता जाता है, रोशनी पड़ती जाती है। इसलिए कि सैयद ने 150 सदी पहले फरमाया था आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन। हम सफीरों पाक है कोई दम का चहचहा, ये आज हमारा वजीर आजम अपने दाएं बाएं चंद खुशामदियों को बैठा देख के ये समझ रहा है शायद इसके इख्तदार को कोई हला नहीं सकता। यहाँ बड़े बड़े आए बड़े बड़े चले गए, हलाकू चक्के जैसे चले गए, यहाँ पे वायसराय और लॉर्ड निकाले जैसे चले गए, यहाँ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और ज़िया-उल-हक जैसे डिक्टेटर चले गए। तब कहना चाहते हैं यहाँ मुक्के लहराने वाले मुशर्रफ जैसे चले गए, यहाँ तीन जनाब दो तिहाई अक्सरियत के मैंडेट का दावा करने वाले 3 बार वज़ारत उस्मा वाले चले गए। बस इतना याद रखना कि बात वज़ारतों से ज्यादा नहीं रहती है। और आज 91 बरस 3 महीने और तकरीबन 12 दिन के बाद आज भी किसी से पूछ लीजिए इल्मुद्दीन को जानते हो, वो कहता है चाहे मैं तरखान रही हूँ लेकिन तरखान हो के इल्मुद्दीन ने जिस तरह मुस्तफा की इज्जत में पहरा दिया है हम उसकी अजमत को सलाम कर रहे हैं, तो पता चला नाम शाही और इख्तदार से जिंदा नहीं रहते हैं, नाम जब भी जिंदा रहते हैं हुजूर से वफा वाले किरदार से जिंदा रहते हैं, क्योंकि हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी
شبیر حسن نا بشار جہاں مٹ جائے گے لے کر یہاں یہاں پہ قبلہ بابا جی نے قبلہ میرا مجاہدین نے بتایا کہ یاد رکھ لینا مولا حسین کا لنگر کھانا آسان ہے مولا حسین کا کردار اپنانا بڑا مشکل ہے یار مجھے یاد ہے جب ایک بار کسی نے کہا حضرت جی وقت کے نہیں یزیدی حکمرانوں کے سامنے آپ حسین بن کے آئے ہیں آپ نے کہا دوبارہ یہ لفظ نہ بولنا جہاں سے میرے امام گزرے ان کی سواریاں گزری میرے جیسے کروڑوں استاد پہ قربان میں حسین نہیں میں خادم حسین ہوں میں مولا حسین کا نوکر ہوں بروز حشر وہ ہمیں اپنے غلاموں میں قبول کر لے یہ بڑی بات ہے بس اتنی بات یاد رکھو مولا حسین نے ہمیں اپنے کردار سے بچا بتایا ہے اگر 18 سال کے علی اکبر پاک کی ضرورت پڑے وہ بھی اسلام کے لیے حاضر ہے اور دودھ پیتے جناب حضرت علی اصغر کریم کی ضرورت پڑے تو بھی اسلام کے لیے حاضر ہے کیونکہ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لے کر یہاں حشر تک نام ہو نشانے رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن اتل سو کم خواب کی پوشاک پہ نازا بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب تک